हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्तन फोड़ा के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ब्रेस्ट में सूजन हो जाते हैं या ब्रेस्ट में अपसेस बन जाता है। स्तन फोड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्तन में कोई चोट लगना, ब्रेस्ट में स्त्राव या पतले छिद्र में किसी कारण से ब्लॉकेज होना। कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे दांत से बाइट करते हैं, यह भी कारण हो जाता है स्तन फोड़ा होने का। हाइजीन की कमी के कारण भी ब्रेस्ट अपसेस होता है। स्तन फोड़ा होने के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं, ब्रेस्ट में स्वेलिंग होती है और भारीपन होता है, ठंड लगकर बुखार आना, ब्रेस्ट में सीवियर पेन होना। स्तन फोड़ा होने पर बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग रोक देनी चाहिए। ब्रेस्ट अपसेस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले अफेक्टेड ब्रेस्ट को एंटीसेप्टिक से साफ करनी चाहिए। ब्रेस्ट पंप या 50 ml सिरिंज की सहायता से मिल्क निकालना चाहिए। स्तन फोड़ा के इलाज के लिए सबसे पहले मेगापेन कैप्सूल 500 mg दिन में 3 times उपयोग करना चाहिए, या नहीं तो मेगापेन कैप्सूल के जगह कलाभाम 625 mg, जिसमें अमोक्सासिलिन पोटेशियम होते हैं, यह टेबलेट जो है सुबह शाम उपयोग करना चाहिए 5 दिन तक। उसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शन ट्राक्सोल एस, जिसमें सेप्ट्रीएक्सोन और सेल्बेक्टम मिला होता है, यह इंजेक्शन 1 दिन में 1 time लगाना चाहिए 5 to 7 days तक। उसके बाद अगला मेडिसिन लेना है बिकोसोल कैप्सूल। बिकोसोल कैप्सूल जो है सुबह शाम देना चाहिए 5 to 7 days तक। दर्द सूजन कम करने के लिए जीरोडल SP या फ्लेक्सन टेबलेट सुबह शाम उपयोग करना चाहिए खाना खाने के बाद। ये सभी दवाई उपयोग करने से गैस एसिडिटी ना हो, इसके लिए सुबह खाली पेट पेंटअप DSR कैप्सूल उपयोग करें। फ्रेंड्स, कोई सवाल हो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।